मासी, माँ, मैम घर पे कोई नहीं है, सिर्फ निकी मैम है। और विक्की? वो करना मैम और मासी को लेकर आ गए। तुम जाओ। कैसा इम्तिहान ले रही हूं महक? क्या हुआ? आर यू ओके? नहीं निकिता, कुछ ठीक नहीं है। चाचू की जान खतरे में और शौर्य से बात ही नहीं हो पा रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हुआ क्या है बताओ तो। साहब, आपका और आपकी फैमिली का बड़ा नाम है, लेकिन आपके रेस्टोरेंट का नाम इतना खराब हो गया है कि अगर मैंने आपको लाइसेंस इशू कर दिया तो मीडिया वाले बवाल मचा देंगे और फिर हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। सर देखिए, आप चाहेंगे ना सर, रास्ता अपने आप निकलेगा सर। सर आपके इरादे के आगे मीडिया क्या है सर? प्लीज देखिए ना सर, कोई तो तरीका निकालिए जिसमें सबका फायदा हो, आपका फायदा हो, मेरा फायदा हो, हम सबका फायदा हो सर, प्लीज। रास्ता तो निकाल सकता हूँ, लेकिन टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों आपका लगेगा। समझ रहे हैं ना खन्ना साहब मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। जय हिंद सर। सर, यस सर। सर, ये लंबा खर्चा बताएगा, वो भी कैश, हो जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम है? अभी तो सिचुएशन बहुत टाइट है। नहीं, पुलिस को बताया तो पता नहीं वो चाचू के साथ क्या करेंगे। चाचू की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती निकिता। एक आइडिया है, ये घर और वाइट चिलीज तुम्हारे नाम पर है ना, तो अगर तुम इसे मॉर्गेज कर दो तो, गिरवी रख दो तो। सर आपके अकाउंट में अभी भी 45 लाख है। अगर ये बंदा सारे भी मांगता है ना, मुझे तो लगता है दे देने चाहिए बिना किसी सोच समझ के। फिर भी आप टाइम ले लो। नहीं निकिता, ये घर, ये बिजनेस मेरे नाम पे है, लेकिन ये शौर्य का ही है। शौर्य ने अपना प्यार साबित करने के लिए कांता चाची के कहने पे मेरे नाम किया था निकिता। ये सब कुछ शौर्य का है, मेरा नहीं। मैं कैसे? कम ऑन महक, तुम और शौर्य अलग थोड़ी हो। जो तुम्हारा है वो शौर्य का है और जो शौर्य का है वो तुम्हारा। देखो, तुम्हारी फैमिली पर प्रॉब्लम आई, अगर शौर्य को पता चलेगा ना तो वो भी ये स्टेप उठाएगा। नहीं निकिता, लेकिन शौर्य अगर ऐसा स्टेप उठाए तो मुझे टेंशन नहीं होगी। इन सब मैटर्स में वो मुझसे ज्यादा समझदार है। लगा क्या? नहीं निकिता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी बात मानो, अभी तुम्हें सिर्फ अपने चाचू को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। सर जो भी करना है जल्दी कर दीजिए, 45 लाख रुपए आज ज्यादा लग रहा है। और एक बार वायु चिली शुरू हुआ नहीं, बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा 45 लाख। रास्ता भी तो नहीं है। देखो, अगर तुम हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ोगी, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा नहीं करोगी, तो लाइफ में ना सिर्फ रिग्रेट ही रह जाएगा। पूरी जिंदगी यही सोच सोच कर खुद से नफरत करोगी कि तुमने चाचू को क्यों नहीं बचाया। एक मामूली सा कदम था, क्यों नहीं उठाया? हेलो, हाँ महक पुत्र, उधर पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? अंशी, भाभी को संभाल। अभी आपको हिम्मत रखनी होगी। हाँ
फिर जल्दी बता, हालात ठीक नहीं है। लगता है इस बार काम हो जाएगा। निकिता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरी मदद करो। बॉस, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इस खुद को संभालो। आपके साथ काम करके अच्छा लगा खन्ना साहब। सर, आपके पैसे ट्रांसफर हो गए। माधुर साहब, मेरे अकेले के नहीं है। ऑफ कोर्स सर, अक्सर शादी में ना दूल्हे से ज्यादा खाना तो बराती खा जाते हैं। आप बस इतना कर दीजिए अब कि वाइट सीरीज आराम से बिजनेस करें। बस खन्ना साहब, आप टेंशन मत लो, आप तो बस जय माता दी बोलो और काम पे लग जाओ। सर चले फिर। हाँ ओके सर, थैंक यू। आइए सर चलते। क्या बात है सर, परेशान लग रहे हो, अब तो सब ठीक हो गया। हाँ लेकिन बैंक में अब एक पैसा भी नहीं बचा है, अब कुछ दिन तक क्रेडिट कार्ड जीनी पड़ेगी जिंदगी। सर दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट आपका है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपका घर दो चार मोहल्ले समा जाए, इतना बड़ा बंगला है आपका। इतनी जल्दी पेपर्स कैसे अरेंज हो गए? लॉयर मेरा फ्रेंड है, जब मैंने उसे बताया कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसने इमीडिएटली रेडी कर दिए। ये सब क्या कहने के था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब लीगल पेपर्स, और मैंने कभी कोई लीगल पेपर ऐसे हैंडल नहीं किया, मैं क्या करूं? देखो ये पेपर्स सिंपली इतना कहते हैं कि तुम 5 चिलीज 3 मंथ्स के लिए मॉर्गेज करेगी 2.5 करोड़ के अगेंस्ट। अगर तुम 3 मंथ्स में ये पैसे वापस नहीं दे पाते तो तुम्हारा रेस्टोरेंट फॉरफिट हो जाएगा। डोंट वरी, 3 मंथ्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें कुछ रास्ता निकल जाएगा। हेलो दी, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है दी। आप घर पर सबकी हालत बहुत कमजोर होती जा रही है, सच बता, बिल्कुल सच बताना कि अब पैसों का इंतजाम हुआ? निहल मैं वही कोशिश कर रही हूँ, तू फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ। एक साइन कर दो। निकिता मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे ये सब पढ़ के कुछ समझ नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे भरोसे इस पे साइन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स महक, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। पेन लेके आती हूँ। क्या हो गया?
रिलैक्स करो, 10 मिनट में पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू निकिता, मैंने सुन लिया है। महक से किसी की कोई बात हुई क्या? अभी चाचू, ये लीजिए, चलो। क्या हुआ महक? पैसों का इंतजाम हो गया चाचू, अब आप फोन करिए उन्हें। इसमें 2.5 करोड़ है और हमने जो जमा किए ना, उन सबको मिला के पूरे हो जाएंगे। एक मोहित है जिसने अपने बाप को चिता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक तू है घर की लड़की, लेकिन खुद जलकर हमारी ऊपर बढ़ा रही। चुप जाओ चाचू, चलो हम चाचू को लेके आते हैं। भाई साहब तुझे ठीक हो? चल बाहर, चल क्या कर रही है? बाहर चल, निकल, अरे निकल, बाहर निकलो, अरे बाहर। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? हाथ कैसे लगाया मेरे स्टाफ को? अबे तू कौन है? यहाँ कहाँ घुस आ रहा है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चल निकल। अबे पागल है तू क्या? ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा स्टाफ है, तो छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़। अबे दिमाग खराब मत कर, चल निकल। अरे मेरे रेस्टोरेंट से मुझे निकालेगा? चल निकल। मेरा मुझे निकालेगा? निकल यहाँ से बाहर, चल। अरे भाई रुको, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है ये? सर ये बोल रहे हैं रेस्टोरेंट इसका है। सर ये रेस्टोरेंट आपका था, अब नहीं है। What do you mean? रेस्टोरेंट मेरा था और मेरा ही रहेगा, समझा? तो कौन है? देखिए सर, हाथापाई मत कीजिए, ये रही फाइल, ये रहे पेपर्स। ये रेस्टोरेंट जो आपके हिसाब से आपका है, वो महक शर्मा ने हमारी कंपनी को बेचा है। मुझे बात कर रही है इस नए सोकोड ओनर से? ये क्या बकवास है? क्या बकवास है? मेरी वाइफ इन ट्रांसफर पेपर्स पे क्यों साइन करेगी? सर ये सवाल अगर अपनी वाइफ से पूछेंगे तो बेटर होगा। लिसन, डोंट एक्ट टू स्मार्ट। कौन इस जगह का नया ओनर? कौन है? सर मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ और आप इसी का फायदा उठा रहे हैं। देखिए सर, इस तक हम आपको फाइल की कोई डिटेल्स नहीं दे सकते। देखिए सर, आप अभी यहाँ से चले जाइए वरना ठीक नहीं होगा। सारे तुम मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। जानता कौन हूँ मैं? चौरे खन्ना हूँ मैं, समझा? चौरे खन्ना, इस जगह का मालिक हूँ मैं, समझ रहे? चल निकल, निकल। देखिए सर, बहुत हो गई गुंडागर्दी, हम ऑलरेडी आपको पेपर्स दे चुके हैं, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो अपने लॉयर से बात कीजिए।
शुक्रिया महक पुत्र, आज तूने भाई साहब की जान बचा ली। ओ रो नहीं, बस कर यार, तो ये समझ ले कि आज थोड़ी सी कसरत हो गई है। दर्द उस चोट का है जो अपने बेटे ने दी है। हेलो शौर्य, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? तुम पहले ये बताओ, तुमने व्हाइट सीरीज को बेच दिया क्या? क्या शौर्य, तो मैं हेलो, क्या हुआ शौर्य? हेलो, मैंने तो गिरवी रखा है, बेच दिया क्यों बोल रहा है? क्या बेच दिया महक पुत्र? कहीं तूने मुझे बचाने के लिए तो कुछ है? चाचू पहले अपना फोन दो, ये ले, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ बाद में। चाचू आप लोग चलो, मैं रेस्टोरेंट होकर आती हूँ। मैंने शौर्य को बिना बताए व्हाइट चीज को गिरवी रखा है। अच्छा तू वहां पहुंच के अपना फोन चार्ज कर लेना और फोन जरूर करना, ठीक है? काम कर, इसी ऑटो से चली जा, है? ठीक, ध्यान रखना पुत्र। मैं सबसे बात कर, हम दूसरा ऑटो लेते हैं। The number you're calling is switched off. कहां हो यार मैं? क्या चल रहा है ये सब? विकी, उसको पता होगा। जी जी हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, सच्ची कह रहे हैं। वैसे बुआ आप 10 साल जवान लग रही हैं, कैसा लगा आप लोग को स्पा करके? सच्ची कही लल्ला है? है सच्ची लल्ला, जे स्पा का प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया है। तो सच में डॉली, महीने डेढ़ महीने में ना स्पा कराते रहना चाहिए। नहीं हमें तो जब कहोगे हम चलेंगे। जी जी तो एक बात कहें, हमें वो जाली वाली टैक्सी दिलवा देना। हेलो भैया, कैसे हो आप? क्या चला ये सब? क्या हो भैया, मैं तो बुआ और मासी को लेकर स्पा आया था, कोई बात हो गई क्या? स्पा? ब्लडी हेल विक्की, तू पिकनिक बना रहे हो? अरे व्हाइट चिली बिक गया तुम्हारे पीछे विक्की, तुम्हें कोई आइडिया भी इस बात का? क्या ऐसा कैसे हो सकता भैया? ऐसा हो गया विक्की, महक ने रेस्टोरेंट बेच दिया है। लेकिन भैया मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यही तो प्रॉब्लम है ना, मेरे सिवा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खून जला रहा हूँ, अपना पसीना बहा रहा हूँ इस बिजनेस के लिए, और अगर सिर्फ 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए मेरा दिमाग हट जाए ना, तो बिजनेस बिक जाता है। वाह क्या बात है, और किसी को खबर भी नहीं होती। और जब मैं फोन करता हूँ ना, तो तुम स्पा में। ब्लडी स्पा की क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? बुआ एक मिनट प्लीज। विक्की ईश्वर, इसके पीछे अगर तुम्हारी कोई भी लापरवाह हुई ना, मैं अपने हाथों से, विक्की ईश्वर, मैं अपने हाथों से तुम्हारी पूरी बॉडी का खून निचोड़ दूंगा और महक का गला घोट दूंगा। अरे वैसे महक है कहाँ पे? इसका फोन क्यों लग रहा? भैया हम सॉरी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। आप एक काम करो, आप घर पहुंचो, मैं भी घर पहुंचता हूँ और लॉयर को भी लेकर आता हूँ। शट अप। हेलो 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 भैया। विकी लॉयर? बेटा बात क्या है? अरे लल्ला बात का है, बता दो। भैया मुझे अंदर जाना है, यहाँ का इंचार्ज कौन है? देखो मुझे बहुत जरूरी काम है। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते, मेरे साहब ने मना किया। देखिए भैया प्लीज, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। Excuse me, sir. अब प्लीज बताइए ये सब क्या हो रहा है, और अब है कौन? अब किस तरीके से ऐसे किसी के रेस्टोरेंट में अपना झंडा गाड़ सकते हैं? Hold on मैडम, ये क्या बड़बड़ लगा रखा आपने? पहले आप ये बताइए कि आपने किस हक से अपने मुस्टंडे बाउंसर्स को यहाँ पे लगा रखा है, और आप किसी के रेस्टोरेंट में इस तरीके के चेंजेस कैसे कर सकते हैं? क्या राइट है आपके पास? हेलो मैडम, ये रेस्टोरेंट हमने खरीदा है, जो मन है वो करेंगे, आप कौन होती हो बोलने वाली? मैं यहाँ की मालकिन, मैं खन्ना। ओ आप क्या नाटक लगा रखा है, जब आप ये रेस्टोरेंट बेच चुके हैं तो बार बार ये सवाल जवाब क्यों करती हैं? मैंने रेस्टोरेंट बेचा नहीं है, सिर्फ मॉर्गेज किया था। आप ही कैसे क्लेम कर सकती हैं?
पता नहीं आपकी याददाश्त खराब है या फिर आपकी नीयत में खोट। ये देखिए व्हाइट चिलीज के सेल्स के पेपर। अगर आपको याद हो तो ये सिग्नेचर आप ही के हैं ना? आई मेरे ही हैं लेकिन ये सब। अगर ये सिग्नेचर आपके हैं आप और आपके साथी सुबह से क्या तमाशा बना रखा है? देखिए मैडम हमने नया काम शुरू किया है इसलिए हम आपसे तमीज से पेश आ रहे हैं लेकिन दोबारा अगर आपने और आपके लोगों ने यहाँ आकर बेतुके सवाल किए या ऊंची आवाज में बदतमीजी की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन बाउंसर्स को हाथ चटकाने के मौके चाहिए होते हैं। देखिए ये गलत पेपर्स हैं। मैंने साइन किए थे लेकिन वो सिर्फ गिरवी रखने। आपने गिरवी रखी या बेची? इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं। अपने बिजनेस लॉयर, अपने सीए या फिर अपने मैनेजर से बात कीजिए लेकिन हमारा दिमाग मत खराब कीजिए प्लीज। गो। ये कैसे हो सकता है? मैंने मॉर्गेज किया था तो फिर मुझे निकिता से बात करनी होगी अभी इसी वक्त। उसने कहा था कि मैं वाइट चिली से मॉर्गेज कर रही हूँ। फिर ये सब कंफ्यूजन क्या है मुझे अभी पता करना होगा।